अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तैमूर और आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर अगर मैं इसकी बाय नेम डेफिनेशन करवाना चाहूं तो ये जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस वो वाला कंपोनेंट है जो ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस को अलाउ करता है, यानी रेजिस्टेंस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। ये बाय नेम इसकी डेफिनेशन होगी। लेकिन अगर मैं इसकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में, चूंकि ये बेसिक कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिहाज से अगर मैं डेफिनेशन करवाना चाहूँ तो ये तीन टर्मिनल कंपोनेंट है जिसके में दो जो है वो पीएन जंक्शन होते हैं। जैसे डायोड में था कि डायोड टू टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस थी, तो ये जो जोन सा ये थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें जो है वो दो जो होते हैं पीएन जंक्शन होते हैं, यानी डोप्ड रीजन उसके दो होते हैं। तो इसकी अगर मैं फिगर ड्रा करूँ, अगर फिगर इसकी मैं ड्रा करना चाहूँ तो देखें वो कुछ इस तरह से होगी। यानी इसमें मैंने दो पीएन जंक्शन बनाने हैं, तो ये हमारे पास एक रीजन ये वाला हो गया, और इसके बाद जो है वो दूसरा रीजन ये वाला हो गया हमारे पास, और इसके बाद तीसरा रीजन जो उनसे है वो ये हो गया हमारे पास। तो इसमें देखें हमारे पास ये वाला, अगर मैं इसको कह दूं कि ये पी टाइप है, ये वाला पी है, पी रीजन है, ये वाला एन है, और ये वाला फिर अगेन जो है वो पी है। तो इसके तीन टर्मिनल अब मैंने बनाने हैं। ये दो जंक्शन तो हो गए, एक ये वाला जंक्शन और एक ये वाला जंक्शन। अब इसके बाद इसका ये वाला एक टर्मिनल हो गया, ये वाला दूसरा टर्मिनल हो गया, और ये वाला तीसरा टर्मिनल इसका हो गया। इसमें मैं ये इसकी थी फिगर। अब अगर मैं इसकी फिगर को एक्सप्लेन करना चाहूँ, यानी ये वाली फिगर को ही अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, तो देखें इसमें जो है वो ये पी है, पी रीजन है ये वाला, ये वाला एन रीजन है, और ये वाला फिर अगेन पी रीजन है। ये जो पहला पी रीजन है ये एमीटर को शो कर रहा है, जिसे ई से शो करते हैं। ये जो एन रीजन है ये बेस को शो कर रहा है, और ये वाला जो है ये कलेक्टर को शो कर रहा है, जिसे हम सी से शो कर देते हैं। अब अगर इनकी मैं डोपिंग लेवल का बताऊं तो हमें पता है ये डोपिंग से ही हमें हासिल होते हैं पी एन टाइप या पी टाइप, वट एवर वो हम जो है वो गेन कर सकते हैं डोपिंग से। डोपिंग से मुराद दूसरे जो ग्रुप के मेंबर होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनको जो है वो किसी ग्रुप में ऐड करना। तो पी की अगर मैं ये वाली बात करूं एमीटर की, तो एमीटर हाई डॉप्ड होता है, यानी एमीटर जोन सा होता है ये हाई डॉप्ड होता है। तो दूसरी अगर बेस की बात करूं तो इसकी लो डोपिंग होती है, यानी इसमें कम डोपिंग हुई होती है। अगर इसकी कलेक्टर की बात करूं तो इसमें जो है वो डोपिंग हुई होती है, बेस से इसकी डोपिंग ज़्यादा होती है लेकिन एमीटर से कम होती है, यानी ये फेयरली होता है, फेयरली ये डॉप्ड होता है। ये तीनों चीज़ें किसको शो कर रही हैं, डोपिंग को, यानी इसमें डोपिंग तो हुई होती है लेकिन ये जो होती है एमीटर से कम, इसकी कलेक्टर की डोपिंग एमीटर से कम होती है लेकिन बेस से ज़्यादा होती है। बेस की जो डोपिंग होती है वो सबसे कम होती है। अब इसकी अगर मैं विड्थ की बात करूँ तो जो एमीटर होता है इसकी विड्थ सबसे ज़्यादा होती है, विड्थ। अब इसकी अगर मैं बताना चाहूँ तो ये सबसे ज़्यादा होती है एमीटर की, एमीटर की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद आता है कलेक्टर, और उसके बाद आता है जोन सा है बेस, यानी बेस की सबसे कम विड्थ होती है, एमीटर की सबसे ज़्यादा होती है, कलेक्टर की जो होती है वो इंटरमीडिएट होती है, यानी एमीटर से कम होती है लेकिन बेस से ज़्यादा होती है। सेम ही डोपिंग लेवल का भी हिसाब है, यानी डोपिंग लेवल से फिर क्या मुरादी, दूसरे में इनमें जो एडिशन हुई हुई है दूसरे मेंबर्स की, वो एमीटर में सबसे ज़्यादा है, कलेक्टर में उससे कम है, और बेस में सबसे कम है। तो ये इसकी जोन सी है, ये कंस्ट्रक्शन थी या डायग्राम थी जिसकी जो है वो ये मैंने वजाहत कर दी। लेकिन अगर मैं इसको जो है वो सिंबल की फॉर्म में शो करना चाहूँ, ये इसका अगर मैं सिंबल ड्रा करूँ तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये इसका बेस टर्मिनल हो गया, और ये हमारे पास जो उनसे है वो कलेक्टर, और ये वाला एमीटर। ये वाला बेस टर्मिनल है, ये वाला एमीटर है, और ये वाला कलेक्टर टर्मिनल है। अब ये पढ़ हम क्यों रहे हैं, इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत बेसिक कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ा बेसिक कंपोनेंट है जो यूज़ किया जाता है। ये मुख्तलिफ आगे सर्किट्स में यूज़ किया जाता है, जैसे ये एम्पलीफायर में यूज़ किया जाता है इनपुट सिग्नल को इन्हेंस करने के लिए, ये यूज़ किया जाता है ट्रांजिस्टर। बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉनिक का बहुत बेसिक कंपोनेंट है। तो आज पास इसका इंट्रो ही था, आगे मैं इसकी फर्दर जो है वो टाइप्स और इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।